नमस्कार। दिन भर की हर बड़ी खबर से आपको करने खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त की है उसकी चर्चा हम पहले कर लेते हैं। दरअसल एनएसए स्तर की बातचीत भारत और पाकिस्तान के बीच होनी थी, लेकिन क्या ये मुमकिन हो पाएगा, क्या ये बातचीत हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। संकेत यही मिल रहे हैं कि ये बातचीत खटाई में पड़ सकती है। पाकिस्तान बैठक से पहले हुर्रियत नेताओं से मुलाकात करने पर अड़ा है। भारत ने दो टूक कह दिया है, शर्तों पर बातचीत नहीं हो सकती है। पाकिस्तान उफा में बनी सहमति के पीछे हट रहा है। भारत को तीसरे पक्ष की मध्यस्थता मंजूर नहीं। दरअसल ये बहुत ही पेचीदा मसला है, क्योंकि उफा में जो संयुक्त जो जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया था उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि एनएसए स्तर की बातचीत है, आतंक पर बात होगी। आतंक में हुर्रियत एक पक्ष कैसे हो जाता है, ये पाकिस्तान को अपनी तरफ से साफ करना होगा। क्या कहा है विकास स्वरूप ने, वो आपको पहले सुना था। The UFA understanding on the talks read out jointly by the two foreign secretaries was very clear. The NSAs were to meet to discuss all issues connected to terrorism. This was the only agenda set for them by the two prime ministers. The insistence on meeting Hurriyat as a precondition is also a complete departure from the UFA understanding. India has always held the position that there are only two stakeholders in our relationship, not three. The people of both countries can legitimately ask today, what is the force that compels Pakistan to disregard the agreements reached by two elected leaders and sabotage their implementation? India remains committed to discussing issues with Pakistan peacefully and bilaterally. In fact, we took the initiative to engage at UFA, but unilateral imposition of new conditions and distortion of the agreed agenda cannot be the basis for going forward. दरअसल सतही तौर पर भारत और पाकिस्तान के अलावा हुर्रियत एक पक्ष के तौर पर अगर हम देखें तो लगता है सेना को कैसे भूल जाया जाए पाकिस्तान में। वहां पर पहले ही सरकार अलग पक्ष है, सेना अलग पक्ष है। नवाज शरीफ लौट कर गए, उसके बाद से जो दबाव उन पर था वो पूरी दुनिया जानती है। विकास स्वरूप ने यह बयान जयपुर में दिया, जहां बैठक चल रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हैं। उसी बैठक से विकास स्वरूप बाहर आए, ये बयान दिया। जाहिर है इस बयान पर मोदी और सुषमा दोनों की सहमति है, दोनों की मुहर है।